बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाहौर पूछता है प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान अली हमज़ा आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सर्दियां शुरू होने जा रही हैं और हर साल सर्दियां शुरू होने से पहले, सर्दियों के आगाज से पहले आप देखते हैं कि पूरे लाहौर में एक अजीबो गरीब मौसम आता है जिसको स्मोक कहा जाता है, और ये पिछले 5-6 साल से हम इससे जूझ रहे हैं और इसके बायस हर शख्स को सांस लेने की प्रॉब्लम है। आप बाइक पे निकलेंगे तो आपकी आंखें दर्द करना शुरू कर देंगी, तो उस हवाले से अवेयरनेस प्रोग्राम करने जा रहे हैं। आज हम इस वक्त रोड पे मौजूद हैं और यहाँ पे मुख्तलिफ ऐसी गाड़ियों को रोकेंगे, उनका चलान करवाएंगे, उनको फाइन करवाएंगे जिनके बायस ये माहौलियाती जो आलूदगी है इसमें इजाफा हो रहा है। आप एक चीज बता दें कि लाहौर इस वक्त दुनिया का सबसे आलूदा तरीन जो शहरों की फहरिस्त है उसमें टॉप नंबर पे है, और इसमें जब मैंने थोड़ी सी अपने तक कोशिश की, रिसर्च की कि ये क्यों लाहौर इतना आलूदा, इसकी फिजा को हुआ क्या, ये तो बागों का शहर था, तो मुझे पता लगा कि 30% जो बड़ी बड़ी फैक्ट्री जहां पे कोयले के नाम पे कार्बन जलाया जाता है उनके बायस माहौलियाती आलूदगी बढ़ रही है, और 70% ये जो बड़ी बड़ी माल गाड़ियां हैं जो सारी सड़क पे घूमते हुए, सारा दिन घूमते हुए पूरे रोड में, पूरे लाहौर में धुआं फेंक रहे होते हैं, धुआं फैला रहे होते हैं, उनके बायस इतनी आलूदगी होगी, इतनी आलूदगी होगी कि ये बागों का शहर दुनिया का सबसे आलूदा तरीन शहर बन गया। बहरहाल आज के प्रोग्राम का आगाज करते हैं और दोबारा से लोगों को इस चीज का एहसास दिलाते हैं कि आपके चंद पैसों के इवज पूरे शहर का, पूरे पंजाब सूबे का जो फिजा है, जो यहाँ का माहौल है खराब हो रहा है। तो आइए आज के प्रोग्राम का बकायदा आगाज करते हैं। जी, इस तरह जो नवी गड्डी ऐसे चेक करता हूँ तो लोग कहते हैं ऐसे नहीं करनी, एक मिनट नवी गड्डी भी हो गए ना वो भी धुआं मार दिया। अच्छा, लास्ट टाइम ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਦੇਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸ ਨਾਲ ਧੂਆ ਛੱਡੇਗੀ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਣੀ ਤੁਸੀਂ ਜੀ, ਬੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰੇ ਜੀ, ਉਤਰਾ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੈਸੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਗਾੜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗਾੜੀ ਚੈੱਕ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਗਾੜੀ, ਇਨਕੀ ਦੁਆ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਜੀ ਸਹੀ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਸਹੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਹੁੰਦੀ ਸਰ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਜ਼ਰਾ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਉਹ ਸਰ ਇੱਕ ਪੈਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਧੂਆਂ ਮਾਰਦੀ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਧੂਆਂ ਮਾਰਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅਮੀਨ ਦੀ ਗਾੜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਜੀ ਜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਪਾਸਿੰਗ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਵਾ ਵੀ ਇਨਕਾ ਠੀਕ ਹੈ ਗਾੜੀ ਦਾ। ਜੇ ਦੇਖੇ ਨਾ ਜਿਨਕੀ ਗਾੜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਪਾਸਿੰਗ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾੜੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਮੋਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੋੜ ਰਹੀ, ਤੋਂ ਉਨਕੋ ਬੜਾ ਬਾਇਜ਼ਤ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਜੋ ਰਵਾਨਾ ਕਰਦੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਆਈ ਕੇ ਪਾਸ ਤਮਾਮ ਤਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ। ਓਕੇ, ये नाज़रीन ये देखें, इस गाड़ी का जो है वो, ये गाड़ी स्मॉग नहीं छोड़ रही। ये प्रोग्राम करने का मकसद ये है कि इस वक्त लाहौर में इस कदर जो है स्मॉग फैलता जा रहा है कि यहाँ पे सांस लेना मुश्किल है, और हर बार सर्दी सर्दी के आने से पहले ये कुछ ये 1-2 माह रहते हैं जिसमें सांस लेना लाहौर में मुश्किल हो जाता है, और उसका जो 70% जो सोर्स है ना वो ये बड़ी गाड़ियाँ जो धुआं छोड़ती हैं। अभी एक और ट्रक रोका है, उसमें भी देखते हैं क्या मामला है, क्या ये अपने चंद पैसे कमाने के लिए हमारी और आपकी जिंदगी अजाब तो नहीं कर रहा, लाहौर का जो इन्वायरमेंट है उसको खराब तो नहीं कर रहा। आइए इसको भी चेक करते हैं। ये अभी एक ट्रक रोका है, इनका देखते हैं कि क्या मामला है। अस्सलाम वालेकुम। ये क्या है? गाड़ी का काम करवा रहे, गाड़ी का काम करा रहे हो, इतना सामान लाद के काम करा, पैप ना लेके जा रहे हो? गाड़ी का किता की गड्डी लाके, एक मिनट नीचे भजन, ये क्या है? ये मौत की सवारी, ये चलने के काबिल नहीं है। वो कह रहे हैं कि हम खुद बजाते खुद, वो कह रहे हैं कि हम गाड़ी का काम करवा रहे हैं, लेकिन उनको फेरा मिला है, उन्होंने गाड़ी का सामान लोड किया है, इसी तरह खुली गाड़ी इस को गाड़ी में मेरा ख्याल है कि अभी कोई 400-500 किलो वजन लोड है, शायद ज्यादा ही होगा, कम नहीं होगा, ज्यादा ही होगा ना, 1000-2000 किलो। पासिंग है आपके पास? नहीं मेरे पास। आपको पता है अभी आपने पिछले दिनों वीडियो देखा है वो फैसलाबाद में, वो ट्रक ने गाड़ी क्रैश कर दी। रोज इस तरह के दूसरे तीसरे मामला होते हैं, ये मामला होते क्यों? ये देखें, ये अब एक मौत की सवारी है। इधर आए जरा, ये देखें कि इस गाड़ी का हाल देखें, ना कोई इसका डैशबोर्ड है, ना इसका कोई हैंड ब्रेक भी नहीं है। हैंड ब्रेक इधर नहीं है, हैंड ब्रेक भी नहीं है, ट्रेन जैसे रोकना पै जाए तो फिर रोकना के मतलब कहोगे कि रुक जा, किस तरह रुकेगी, किस तरह देखना भी रुक जा। नहीं, हैंड ब्रेक क्यों होती है कि जब ये नीचे वाली ब्रेक काम ना करे, इमरजेंसी ब्रेक लगा लगे, तो इसको कैसे रोकेंगे? के मंत्र पढ़ेंगे रुक जा सिंह सिंह? हाँ जी यार, ये आप इतना सामान लाद के, इतना ये जो लेके जा रहे हैं गाड़ी, ना मैं आपको जरा बैठ के दिखाता हूँ, ये न्यूट्रल ही है ना,
न्यूट्रल है ना, उधर आया जी। किसी किस्म का कोई डैशबोर्ड कोई नहीं है, किसी किस्म का, ये बस आगे ये दबा रही है। गड्डी साडी लग गई जी, डैशबोर्ड खलाया जी, ते काम कराउंदे फिरदे आ, हुण बच्चे तुर पए आ, चलो कोई बच्चा ही रोटी वास्ते कोई फेरा ला ले, नहीं ते ए कोई नुकसान ना हो जाए। नहीं जी, अल्लाह खैर करे, अल्लाह दी आस ते तुरे फिरदे नहीं, अल्लाह दी आस ते तुसी तुरे फिर रहे हो, अल्लाह माफ करे, किसी ते जाके तुसी गड्डी ना मार दियो। नहीं जी नहीं जी नहीं, तुहाडा मतलब समझ, हैंड ब्रेक कीती तुहाडी, एनु रोकना किस तरह, इस गाड़ी पे 1000-1500 किलो माल लादा हुआ है, और ये देखें इसका ये ऐसा स्टेयरिंग है कि हो सकता है चलते चलते आपने वो एक फिल्म देखी होगी कि जिसमें वो उसका स्टेयरिंग उसके हाथ में आ जाता है। ये देखें, ये एक अजीब सा इन्होंने उड़न कटोला सा तैयार किया हुआ है, और ये वो इसको मौत की सवारी कहा जा सकता है। उस दिन लास्ट टाइम हमने एक ट्रक पे वो किया था प्रोग्राम, तो वो ये बता रहे थे कि इस पे वजन होता है तो ये फौरी तौर पे ब्रेक इसकी काम नहीं करती, तो इसका तो मेरा कुछ भी नहीं काम करता होगा, ना इसमें कोई हैंड ब्रेक है, ना किसी किस्म का कोई इसमें कोई डैशबोर्ड है, कुछ है ही नहीं। अब बता रहे हैं कि गाड़ी का काम करवाने जा रहे थे, गाड़ी का काम करवाने जा रहे थे, और इस वक्त गाड़ी के पीछे इधर आए, पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये गाड़ी का काम करवाने जा रहे हैं, गाड़ी की हालत देखें, ना कोई हैंड ब्रेक है ना कुछ है। ये देखें इनकी गाड़ी टना टन बड़ी हुई है, लदा हुआ सारा माल, ये देखें दिखाएं जी, बंदा है लेकिन ये देखें अंदर सारे जो है ये सामान पड़ा हुआ है, और इस गाड़ी की ना ब्रेक है ना फिटनेस कोई सर्टिफिकेट है। अभी अभी इनसे बातचीत भी करते हैं, और साथ अब पता नहीं इस गाड़ी को क्या करेंगे, फाइन कोई की है कि कुछ जिंदगी तो ताकत नहीं है गाड़ी मार दे, उसका क्या कसूर है, आप रोड पे लेके फिर रहे हैं ना, किसी की भी गाड़ी के साथ को हादसा हो सकता है, लेकिन मतलब बंदा एहतियात तो कर सकता है। खालिद साहब ये अब किसकी क्या कार्रवाई है, इसको क्या करेंगे आप, हमारा जो माहौल है वो कितना आलूदा कर रही है, उसको हालत देखते हैं। रेस ही उन्होंने फ्री की हुई है, रेस फ्री की हुई है, रेस फ्री की हुई है, नहीं ये देखे ना, इतनी गाड़ी की रेस फुल दबा दी है, इन्होंने अपने, हाँ जी अपने हिसाब से इन्होंने बहुत कम किया है, करें जरा रेस नहीं होगा, लेकिन इनकी गाड़ी बाहर आज मेरा कल धुआं भी छोड़ रही है। जी जी इनके टायर की हालत देखिए, इनके टायर की हालत देखिए, इसके ऊपर ये बिल्कुल फ्लैट हो गया था पिछला टायर, ये देखें दूसरा पिछला टायर देखें, कि ये टायर देखें कि ये टायर पे दरारें पड़ी हुई है, ये दरारें पड़ी हुई है, इस टायर को करीब से दिखाएं सर, ये क्या ये किस तरह चला रहा है, ये तो किसी भी वक्त कोई काम डाल देगा, ये सर किसी भी वक्त मसला इनके लिए बन सकता है, इनके लिए भी और दूसरों के लिए भी मसला बन सकता है ये, लेकिन वो देखें कि किस लापरवाही से गाड़ी रोड पे चला रहा है, शर्म भी नहीं आ रही, मतलब उसको मसला नहीं है कि दूसरों को मसला बनेगा नहीं बनेगा, उसे ये है कि बस मेरा फेरा जो है ना वो लगना चाहिए 500-2000 रुपया। हाँ जी, गाड़ी में कोई मसला बनता है दूसरों के लिए कोई मसला बनता है, इसकी अपनी जान के लिए कोई मसला बनता है उसे कोई परवाह नहीं है। और ये लोग मतलब कि अपनी जान के साथ तो खेल ही रहे हैं, दूसरों की जानो माल के साथ भी खेल रहे हैं। नाज़रीन ये देखें, मैं चाहूंगा कि ये कैमरामैन ये जरा फोकस करके दिखाए कि इसके टायर की, आपने इस तरह का टायर किसी छोटी गाड़ी का भी नहीं देखा होगा जिसके अंदर बकायदा तौर पर दरारें पड़ी हुई है, दरारें पड़ी हुई है, कोई एक जगह पे नहीं, वो बिल्कुल टायर जो है वो रिम से अलहदा ही हुआ पड़ा है, और अगला टायर जो है वो इतना फ्लैट है कि उसके ऊपर कोई नकूश नहीं रह गया, टायर बिल्कुल घस घस के बिल्कुल, अल्लाह ना करे इतने माल के साथ इसका कोई टायर ब्लास्ट कर दे तो अलग अजाब है। अब इसका क्या करेंगे जी, आप करें जो आपकी कार्रवाई है, इसको फाइन करते हैं, आप फाइन करें इसको फाइन कर, डुप्लीकेट
ਸਾਫ ਕੇ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਹੈ ਅਸਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਅਸਲ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਅਸਲ ਜਦ ਤਾਂ ਅਸਲ ਕਿਤੇ ਪਤਾ ਬਹੁਤ ਚਲਾਨ ਹੋਇਆ ਮੁੜ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਆਪਣੇ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਦਾ ਚਲਾਨ ਹੋਇਆ ਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਮੂਡ ਅਸਲ ਹੈ ਆਪ ਕੋ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਹੈ तो आपको आईडी कार्ड भी ले लेना चाहिए था तो जाएंगे तो ले वो साथ बाबा जी देखो ना तो आड़े ब्रेक है ना चलो हम माफी बहुत ही ताड़ी मेहरबानी है नहीं एक तो इतना ही रुक गया तुसी इनना नु यानी कि अपनी कार्रवाई करनी है ऐसे मौत है ऐ मौत दी सवारी है किसे जाके तुसी मारती फिर की होएगा एनु रोकेगा कौन एनु रोकना किस ने अल्लाह ना करे ब्रेक ना लगे तुसी ब्रेक ना को है अल्लाह ने उनु ते बिल्कुल किसे बंदे कोल को ताकत नहीं है रोकन दी ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਣਾ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਬਾਤ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਆਖਰੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਸੇ ਸੈੱਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਗਾੜੀ ਕੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਰੱਖ ਇਹ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਜੀ ਮਤਲਬ ਕਰਾਈ ਦੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ ਤੂੰ ਕਰਾ ਲਈਦਾ ਵਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਹੋਏ ਅੱਲਾ ਦੇ ਸਪੋਰਟ ਖਿਲਾੜਨਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਖਿਲਾਰੋਗੇ ਨਾ ਬੰਨ ਕੇ ਕਹੋਗੇ ਅੱਲਾ ਤੇਰੇ ਸਪੋਰਟ रोटी मुर्गी खानी थी तो करनी सुबह का नाश्ता अब आप इनको फाइन कर रहे हैं जी इनको फाइन होगा अगर इनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आप देख लें अब ये देखें ये इदारे मौजूद हैं और इनका अपना काम है ये जो करना है बाहर लेकिन ये जो सवारी है ये बड़ी खतरनाक है और खतरनाक इस हवाले से है कि इनकी एक तो ऊपर सामान लादा हुआ इतना टायर्स जो हैं वो टायर्स की हालत इतनी ख़राब है दरारें पड़ी हुई हैं और अगला टायर इतना फ्लैट है आगे कोई डैशबोर्ड नहीं है कोई ब्रेक नहीं है कुछ भी नहीं है बहरहाल इसी तरह के ट्रक चल रहे हैं देखें तमाम तर जो मामला हैं वो अल्लाह की तरफ से ही होते हैं और अल्लाह ताला ही हिफाजत करने वाला है लेकिन हमें ये बताया गया कि अपने असबाब पूरे कर लें उसके बाद तमाम चीज़ें जो है अल्लाह के सपोर्ट कर लें अपनी तरफ से जो हमारी जिम्मेदारी है मतलब कि अगर आपने कोई जानवर भी कहीं खड़ा करना है और अल्लाह के सपोर्ट उसको खड़ा करना है तो आप उसकी रस्सी बांध दें और फिर उसको अल्लाह के सपोर्ट छोड़ दें कि अल्लाह इसकी हिफाजत करें बहरहाल और भी एक ट्रक भाई साहब ने रोका है इनसे बातचीत करते हैं अस्सलाम वालेकुम रूट द नेक्स्ट फायर आप जी शुक्र जी क्या अभी क्या इनका रूट एक्सपायर है सबसे पहले तो इसका धुआं चेक किया गया जो काफी उदास से ज्यादा काफी मजा आ रहा है अभी चेक कर लें हम भी चेक कर लें और कैमरा दिखाएं जी उसके पीछे नहीं निकलना पता लग रहा रूट एक्सपायर है रूट एक्सपायर है अच्छा रूट भी एक्सपायर है पासिंग चेक कर रहे हैं पासिंग इनकी है वैलिड है पासिंग होन करवाई है सर तकरीबन थोड़े दिन अच्छा ये रूट होता है रूट पर में भी होना चाहिए क्या आप इस रूट पे चला देते हैं रूट पासिंग लाइसेंस हमेशा ड्राइवर के पास रूट अगर अपना रूट जरा ना अड्डे पे पिया वो दूसरा ना यार गड्डी के बीच कोई वो कोई धुएं वाली मशीन तो नहीं लगवाई है गड्डी बहुत धुआं छड़ रही है नहीं नहीं सर कोई धुआं नहीं है इधर आया दियो जरा आप दियो आप दे रहे हैं ना चेक करो दियो दियो कोई ना इतना टोड़नी बिलकुल बात समझता तो धुआं ही काम है आपका रोड नहीं आपको चलान करेंगे साथ में धुएं का चलान करेंगे गाड़ी बंद करें सर रूट दूसरा अड्डे ते परा ना नया चलान लेके जाओ पासिंग क्लियर है पासिंग क्लियर है कोई मसला नहीं यार कोई मसला क्यों नहीं समझते आप लाइसेंस दो जरा मौके पे लाइसेंस दो इनके पास लाइसेंस भी आपको लग रहा है देख लें सारी चीजें आपके पास है आप रूट लाना भूल गए हो यार कहीं की गल्ला कर रहे हैं आपके पास नहीं होगा रूट लाइसेंस ठीक है इसका अच्छा ये देख रहा हूँ इसके भी टायर आगे से काफी घिसे हुए हैं ना साइड टायर हाँ जी
ਟਾਇਰ ਨਵੇਂ ਪਵਾਏ ਦੇ ਨੇ ਤੇ 6 ਮਾਹ ਹੋ ਗਏ ਨਵਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ 6 ਮਾਹ ਹੋ ਗਏ ਨਾ 6 ਮਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ 6 ਮਾਹ ਮੇਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਤਾਏ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਧੂਆਂ ਗਾੜੀਆਂ ਛੋੜਨੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਯਾਰ ਇਨਕੋ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆ ਰਹਾ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਕੇ ਹਾਲਾਤ ਲਾਹੌਰ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਲੂਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਲੂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਯਹਾਂ ਪੇ ਜੋ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਬਾਜ਼ ਸਰ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਹੈ ਧੂਆਂ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਰਹੀ ਪਾਸੇ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਮਹੀਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਾਸੇ ਕਿਉਂ ਮਾਰ ਰਹੀ ਗੱਡੀ ਫੇਰ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਕਦਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੋਗ ਨਾ ਰੇਸ ਉਹਨੇ ਤੋਂ ਆ ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਕੜਿਆ ਉਸ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਕਹਾ ਐਸੇ ਰੇਸ ਦੇ ਛੋੜ ਕੇ ਰੇਸ ਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪੰਪ ਤੇ ਰੇਸ ਦੀ ਦੋਨੋਂ ਤਰੀਕੋ ਸੇ ਉਸ ਗਾੜੀ ਨੇ ਧੂਆ ਨਹੀਂ ਦਿਆ ਉਹ ਵੀ ਡੀਜ਼ਲ ਗਾੜੀ ਡੀਜ਼ਲ ਗਾੜੀ ਮਾਰੋਗਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇਗੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇਹ ਦੇਖੋ ऐसे मारो नहीं देगा भाई ऐसे धुआं मारेंगे नहीं देगा सब आप रेस ऐसे नहीं दोगे दूसरी तरफ है अच्छा भला धुआं गाड़ी छोड़ रही है अब इसको क्या फाइन करेंगे फाइन करेंगे और इसको बंद करेंगे 3 दिन के लिए ठीक है दसो इन्हों को कहानी वो भाई को भी पता है आपको भी पता है कोई भी गाड़ी है ना जिसके ये गार है मजदा है ट्रैक के जिसको भी दोगे ना ज्यादा रेस दोगे वो धुआं छोड़ेगे उसके बाद छोड़ोगे फिर छोड़ोगे धुआं और गाड़ी रोक दें यार हमें भी आप ऐसी रेस देंगे ऐसी देंगे आप देखो और कोई अच्छी गाड़ी आपको आपकी तरफ फुल रेस दूंगा ये देखो ये देखो भाई ऐसे ये कभी भी धुआं नहीं मारे आप कभी छोड़ कर मारोगे धुआं वो कभी भी नहीं देगा वो ऐसे कर रहा है हल्का इंजन है ना या प्रेशर पंप है इसको छोड़ देता है इंजन है कोई भी डीजल गाड़ी होगी वो हल्का सा धुआं मारे ये देखना अभी ये गाड़ी रोकी है ना हाँ ये देखना इसका मुझे लग रहा है कि इसका धुआं ठीक होगा मेरा भी आपको ऐसे ही लग रहा था ठीक है जिसको आपका मुझे लग रहा है कि आपका नहीं जिसको भी रोकोगे ना गाड़ी रोकी ये भी चेक इधर आए आप गाड़ी इधर आओ तो हम चेक कराइए कि देखिए वो डीजल गाड़ी धुआं नहीं मारेगी ये बंदा रेस दे इधर आ जरा चेक करिए छोटी गाड़ी उसका इंजन ये 3000 इंजन है मेरी बात सुनो ये 3 है मारा इसने भी उसकी तरफ देखो ना भाई उसकी तरफ देखो कितनी रेस नहीं देते इतना धुआं तो सब गाड़ी मार रहे हैं आपका ये डीजल गाड़ी है जी डीजल भाई डीजल गाड़ी है 3000 वो 3000 इंजन है ये 3500 इंजन है बड़ा इंजन है वो ट्रेला आगे डीजल वाला नहीं आपने आगे मैं नहीं मानता नहीं भाई मैं मानता हूँ कोई भी गाड़ी है ना बड़ी गाड़ी डीजल वाली इसको रोकोगे वो धुआं लाल में कम डीजल वाली गाड़ी है ये देखो ना मारेगी कम यार उस तरफ देखो ये मार रही है मारेगी भाई ये भी मार रही है उसकी तरफ ये देखो ना कोई भी गाड़ी है ना ये गाड़ी धुआं नहीं दे रही फिर तुम नहीं मान रहे यार वो मिट्टी वगैरह उड़ रही है ऐसे ही उसकी भी मिट्टी वगैरह चले आप इधर इधर आप इधर खड़े हो आप इधर खड़े हो आप इधर खड़े होकर देखेंगे धुआं आ रहा है कि नहीं भाई जान जाए रेस दें इसको तो ऐसे तसल्ली जाहिर बात है अगर उसको फाइन हो रहा है तो तसल्ली होनी चाहिए इधर आओ खड़ा हो कितने सिलेंसर भला सिलेंसर बीच में ही है बीच में आप देखें चले बॉस ये आप इधर दिखाए अभी छोड़ दे ऐसे ही उसका कर रहा ये देख हाथ में खाब हो जाता ना देखा भाई इसका इशू सर भला क्या हो रहा है इसका सिलेंसर का मुंह जो है वो नीचे की तरफ नहीं है इसके ऊपर की तरफ है वो जो लगा हुआ है ना पायदान सिंगार उसके साथ टच होता आपको महसूस हो रहा है ये धुआं अगर इसका नहीं नहीं आप हमारे मोहसन है भाई है हमारे काबिल इज्जत है अगर इसका मुंह नीचे को हो ना हमारा वो ऑयल टैंकर है पर पीएसओ वाले ये कहते हैं कि सिलेंसर का मुंह हमेशा नीचे होना चाहिए जब उसको एक्सीलेटर देते हैं उसमें से कार्बन निकलता वो चंगेड़ा बनाता आग लगने का भी खतरा अभी इसका धुआं गाड़ी छोड़ रही है अभी सर ये इससे टच हो रहा है धुआं छोड़ रही है गाड़ी धुआं छोड़ रही है आप ट्रक ड्राइवर हैं आप गाड़ी भाई मान तो धुआं छोड़ दो वो ऊपर की तरफ खराब है अगर आप 2000 बंदे की जिंदगी खराब कर रहे हैं यार भाई अभी पासिंग हुई है वो पासिंग के लिए तो गलत नहीं है एक माह पहले पासिंग हुई है अगर धुआं छोड़ दो उधर फेल करते गाड़ी कालाचा काकू से पासिंग हुई है कहीं बाहर से नहीं मैंने पासिंग कराई कालाचा काकू से सर ये कोई फर्क पड़ता है कुछ ये इनका सिलेंसर नीचे ऊपर हो अटैच हो रही है आगे से प्लेट उधर अपने टैप डाले के साथ टैच होता है तहाँ आपको धुआं लग रहा है अगर साइड को निकले आपको धुआं नहीं लगेगा नया गाड़ी रखा है हाँ जी ये देखिए नादिन अभी एक नया नहीं भाई भी खड़े हैं हाँ जी।
इधर आए इधर आए मान लिया भाई। हां जी तुहाडी गड्डी तुआ के नहीं छड़ रही नवी है गड्डी नवी गड्डी हां जी ते लोग कहंदे ने डीजल वाली गड्डी तुआ छड़दी छड़दी है काम करवा दो कम करवाओ गड्डी का क्यों छड़ दी तुआ अगर गाड़ी का काम हुआ फिटनेस सर्टिफिकेट ये 19 मॉडल है ये 19 मॉडल है 19 मॉडल है हाँ जी तो ये आपका धुआं नहीं छोड़ नहीं छोड़ रही ठीक है ये देखे नाज़रीन जिन लोगों की गाड़ी जिन लोगों ने बेहतर हालत में रखी हुई है कहते हैं नई गाड़ी 0 मीटर भी ले आए ना उनको वो भी धुआं देगी ये देखने ये भी नई है गाड़ी ये धुआं नहीं दे रही कौन सा मॉडल है इसका 19 मॉडल है ये 19 है नई नहीं है इतनी अब 24 चल रहा है 5 साल गाड़ी फिर भी कोई इशू नहीं है गाड़ी में आपके सामने है बाकी इसकी वो तमाम डॉक्यूमेंट भी पूरे डॉक्यूमेंट भी पूरे हैं। ये देखिए नाज़रीन ये तमाम सर ये भी एक्टिविटी प्रोग्राम में रखने का मकसद ये है कि जिन लोगों ने अपनी गाड़ी की मेंटेनेंस रखी हुई है जिन लोगों की गाड़ियाँ नई है या उन्होंने उनका टाइम से काम करवा रहे हैं उसका ऑयल चेंज करवा रहे हैं उसके तमाम दूसरे तीसरे मामला इंजन का काम करवा रहे हैं उनकी गाड़ी धुआं नहीं मारती अब ये साहब पहले मान नहीं रहे थे कह रहे नई गाड़ी होगी उसका धुआं भी छोड़ेंगे तो आएगा मैं मान तो डीजल गाड़ी कोई भी है ना ये भी धुआं मारती है कम मार रही है नहीं मार रही यार मतलब मशीन है चलने का कुछ तो मेरा, मेरा जो है ना एक माह पहले हुआ पासिंग हाँ। अभी जो है ना उसके नोजल का काम होने वाला दोबारा हो गया पंप का नोजल नोजल का काम होने वाला हमारे सिर सहन है ऐसे चलते मैं भी आपके सामने गाड़ी चलाता हूँ ऐसे ही नहीं मैं मानता हूँ मैं कहाँ चिट्टा नहीं है कहाँ सफेद हो या काला हो या ब्लैक वो आपको लग रहा है ना मैं गाड़ी जब चलाऊंगा धुआं गाड़ी नहीं छोड़ेगी दूसरा अली भाई ये ड्राइवर हमारे साथ खड़े हुए हैं उनका एक और मसला है ये जो नोजलों की बात कर रहा है ना उनको नरम रखने के लिए ना ये मुबलैल डालते हैं उसमें अच्छा डीजल के साथ ताकि हमारी नोजल होता है ना ऐसे होता है मैंने कभी नहीं मुबलैल डाला डीजल होता है ना ऐसे उससे धुआं देती है अच्छा अच्छा उससे भी गाड़ियां धुआं देती है जैसे वो यामा नहीं होती थी पहले उसकी टैंकी में धुआं आपने देखा होगा कितना धुआं देती है मोटरसाइकिल हालांकि वो तो ये वो मोबलेट डालते हैं कुछ हाँ मोबलेट डालते हैं उसमें उसकी उसकी वजह से भी धुआं मारती है ना गाड़ी मोबलेट डालने से वो फिर नरम होकर गाड़ी चलती है और कोई मसला नहीं भाई वैसे ठीक अल्लाह की गुर्दे गाड़ी तो इनको फाइन किया आपने हाँ नहीं अभी तक तुम्हारे साथ आपको ताकि पता भी लग जाए किस तरह से गाड़ी उसी वक्त का आधा घंटा होगा आपके पास हम तो आप कोई मतलब आपको नहीं रोका फैन वो भाई कागज क्लियर है फैन भाई किस बात का करेंगे ना कागज क्लियर है मेरे इधर आओ तो एक और गाड़ी दिखाइए आओ तो सही मेनू उन्होंने दसिया के पुरानी गाड़ी है धुआं नहीं छाड़ रही 96 मॉडल गाड़ी है इसका धुआं चेक कर ले गाड़ी धुआं नहीं दे रही डीजल गाड़ी है उसके नोजले का काम होने वाला मेरा अब आप मान गए पहले आप कह रहे थे गाड़ी धुआं छोड़ दी छोड़ रही भाई कौन सा मॉडल है आपका 96 सर 96 मॉडल है ये धुआं नहीं छोड़ रही ये लोग कहते हैं कि डीजल गाड़ी और धुआं छोड़ती छोड़ती है काम करवाए तो नहीं छोड़ते काम करवाए तो नहीं छोड़ते काम करवाया तो नहीं छोड़ते ना ये आए आप सुन लें इसकी बात ये देखें जो लोग जिनकी गाड़ी सही है और जो मैं ये कंपनी का ट्रांसपोर्ट ऑफिसर हूँ अच्छा अच्छा मैं अभी भी वर्कशॉप से ही आ रहा हूँ हमारा रावी चौक वर्कशॉप है मैं प्रॉपर खुद सारा दिन उधर बैठता हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स पूरे हों फिर गाड़ी बाहर निकाली जाए ठीक है गाड़ी का मुकम्मल तरीके से हर चेकअप हो पासिंग ट्रांसपोर्ट ऑफिसर है ट्रांसपोर्ट ऑफिसर ये कुछ हमने ड्राइवर हजरात पकड़े ये कहते हैं कि गाड़ी जैसी मर्जी हो अगर डीजल होगी तो धुआं छोड़ेगी नहीं नहीं असल में ऐसा होता है कि डीजल गाड़ी थोड़ा बहुत होता है कुछ तो वो बताएगी लेकिन ये होता है कि सबसे पहले गाड़ी उस वक्त धुआं छोड़ती है जब उनकी नोजलें बंद होती हैं ठीक है नोजल का काम हो प्रॉपर तरीके से पंप का काम हो तो गाड़ी धुआं नहीं छोड़ेगी ठीक है ये होता है क्योंकि मेरा सारा दिन सारी यही काम आ रही डायमंड सुप्रीम फोम की 250 गाड़ी है ठीक है तो इंशाल्लाह ताला हमारी जो भी गाड़ी देखेंगे इंशाल्लाह ऐसे ही होगी बहुत शुक्रिया पाकिस्तान स्टेट ऑयल PSO की गाड़ी एक टैंकर रुका है इसको भी जरा चेक करते हैं कि इसके क्या मामला है इसको इसको क्यों ये धुएं के बाइस रोका है धुआं चेक करवाते हैं आप गाड़ी का ये PSO की गाड़ी है
सीएसओ का टैंकर है, ऑयल लेके जा रहे हैं? हाँ जी हाँ जी, क्योंकि ऑयल मौजूद है, मौजूद है, डीजल मौजूद है इसमें। इसकी तो मेंटेनेंस ज्यादा आपको ख्याल रखना पड़ता होगा, क्योंकि डीजल आपके ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल, इसका ज्यादा ख्याल रखना है। इशू होगा ना, जैसे वो कह रहे थे भाई चिंगारियां निकल रही, इससे ज्यादा कोई भी मसला हो तो प्रोडक्ट ही नहीं देती पीएसओ इतने काबिल, क्योंकि ऊपर वो जो है फ्यूल है, फ्यूल है, ऑयल है, वो तो आप किसी भी वक्त पकड़ सकते हैं, इसका तो ख्याल ज्यादा रखने की जरूरत पड़ेगी। चलें जी, चेक कपड़े खराब हो जाने चले। इसको एक प्रेशर पे नहीं देते, क्योंकि इसका ना प्रेशर रिलीज होता है, इसीलिए इसको छोड़ के देनी पड़ती है। अभी इसकी क्या सूरत हाल है? अभी ये धुआं है, इसको चलान भी फाइन किया है इन्होंने, दो फाइन किया है। तो फिर भी गाड़ी सर वो मालिकों को तलाश दे दी हुई है ना, दिखाएं कल का फाइन क्या पे हुआ आपको? कल धुएं का ही फाइन हुआ जी, धुएं का ही से हुआ, आगे हमारा पंप है ये देख, कितना फाइन हुआ कल? 2000। लेकिन ये 2000 से भी क्या, ये अगर 2000 बंदे की जिंदगी खराब कर रहे हैं जी जी, या पोल्यूशन से 2,00,000 बंदों के लिए ये जो है एनवायरनमेंट खराब कर रहे हैं जी जी, अब फाइन इनको कराओ है, क्यों इना धुआं छड़ रही गड्डी? कंपनी ने भी लेके देते थे, सिर्फ असि मंगलवार सोमवार वाले गड्डी तो धुआं छड़ रही है ना, तुम्हें पता है ना। चलो चंगी गल है कि तुम मान रहे हो, लोग तो मानते ही कोई नहीं, नहीं नहीं सारी तो गलत। लेकिन ये इतना बड़ा टैंकर है, इसमें ऑयल है, इसका जरा ख्याल ज्यादा करें, इसकी मेंटेनेंस पूरी होनी चाहिए इंशाल्लाह जरूर। जिसको इसमें सर हमें हाईकोर्ट की तरफ से आते हैं, और जो पहला चलान होगा ना वो 2000 का होगा, अगर ये 2-4 दिन काम नहीं ना करवाएगा नेक्स्ट टाइम इसको रोकेंगे तो दूसरा चलान 4000 का होगा। अच्छा। ठीक है, अगर फिर भी ये काम नहीं करवाता तो तीसरा टाइम जब ये इसको रोका जाएगा ना, थर्ड टाइम रोका जाएगा, तो इसको गाड़ी को हम बंद कर देंगे। टाइम इसका ना चलान का 10 दिन का है, फिर वो 10 दिन के अंदर दोबारा चलान नहीं होता, चलान होता है लेकिन वो पे करने की डेट होती है कि 10 दिन के अंदर अंदर वो पे करना होता है। ठीक है, नेशनल बैंक में आप 10 दिन के अंदर अंदर जैसे वो बिल की तारीख होती है, इसी तरह इसकी जमा करवाने की 10 दिन की तारीख होती है, उसमें ये नहीं है कि 10 दिन के अंदर चलान दोबारा नहीं हो सकता। अच्छा, लेकिन अगर इनको कल हुआ है तो अगले दिन फिर इनको क्या वार्निंग देंगे, क्या देंगे? हाँ, आज वार्निंग इसको दे देते हैं, अगर ये कल या परसों फिर नहीं करवाते तो इनको 4000। लेकिन इन्होंने गुजरने इसी रूट से होता, आपको पता होता है कल भी यहाँ पे गुजरा था। हमारी टीमें पूरे लाहौर में है, जगह जगह पे टीमें दी हुई स्मोक स्क्वाड में, हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से, हमारे सीओ साहब की तरफ से स्पेशली दाया था, हम जीरो टॉलरेंस पे ये काम करते हैं। क्योंकि ये नाज़रीन यहाँ पे आपको बता दूं कि जो लाहौर की आलूदा फिजा है, जो हर सर्दी से पहले आप देखते हैं 2 माह इतने आलूदा होते हैं कि आपका सांस लेना दुश्वार होता है, बच्चे पैदा होते हैं उनमें खांसी की और ये इस तरह की सांस लेने की प्रॉब्लम्स आ रही हैं और सांस लेना मुश्किल है, उसकी वजह ये 70% जो है ये वो धुआं है जो माहौल को खराब करता है। ये देखें, अब ये पीएसओ का कंटेनर है, ऑयल कंटेनर है, बता रहे हैं इस वक्त इसमें फ्यूल मौजूद है, इसमें क्या इस वक्त डीजल है, डीजल है, डीजल। ये देखें, ये देखें धुआं छोड़ रही है, लेकिन इसके ऊपर ना डीजल था, उसके ओनर ने हमें कहा, उनसे वादा किया कि यार हम करा, लेकिन मैंने उनको कहा यार आप लोग करवाते नहीं है, लेकिन वो फिर भी कह रहा था कि हमारी कंपनी की गाड़ी है, तो इंशाल्लाह हम इसी वीक में इसको क्लियर करेंगे गाड़ी। चले अल्लाह करे कि क्लियर करते भाई जान, ये आपके लिए भी खतरनाक है, आपकी गाड़ी की मेंटेनेंस पूरी होनी चाहिए कि आपके पास कल का अगले पेट्रोल पे बैठे सोमवार वाले दिन इंशाल्लाह नहीं होगा। चले बहुत शुक्रिया। ये देखे नाज़रीन, यहाँ पे जीरो टॉलरेंस है, कोई हुकूमती इदारा हो, पीएसओ, अब ये पाकिस्तान स्टेट ऑयल है, लेकिन इसके भी कंटेनर टैंकर को रोक के यहाँ पे बकायदा तौर पे बता रहे हैं कि आज नहीं इसका कल ही चलान हो गया है, तो अब इसका कल चलान हो गया तो फौरी तौर पे अगले दिन चलान करना मुनासिब नहीं था, उसको वार्निंग दी है। ऐसे खड़े करके गाड़ी को रेस दोगे तो धुआं मारेगी, फिर उन्होंने गड्डी चलेगी ना, गियर लगेगा तो एकदम तो नहीं गियर छोड़ेंगे आप, रेस देगी। लेकिन आप देखें जब आप गाड़ी चलाएंगे एक बार दोबारा, सर गाड़ी खड़ी गाड़ी अगर आप देते हैं ना रेस तो नहीं, लेकिन जब आप गाड़ी चला रहे होंगे ऊपर ये देखिए इतना सामान पड़ा है जी जी, तो गाड़ी जोर तो लगाएगी, जोर लगाएगी तो आपको एक्सीलेटर दबाना पड़ेगा, इतना बोल लाएगा सर, इतना नहीं दबाना पड़ेगा फिर कैसे
पहले गेट में कले छोड़ के आराम आराम से चलाते हैं। इनकी क्या इनके डॉक्यूमेंट आपने पहले बता दिया था कि मुझे लग रहा है इनकी गाड़ी से धुआं निकला, क्योंकि इनकी जो पासिंग हुई ना वो जो 28 मार्च 2000 को हुई है। अच्छा, इसी माह की इसकी 28 को खत्म हो रही है ये अपना टाइम, मतलब कि ये आज 8-9 दिन रह गए। जी जी, 8-9 दिन, तो इसलिए आपको लग रहा था कि इसका दूसरा से इसका ना इस पासिंग में धुआं पास नहीं किया हुआ। अच्छा, इसके पासिंग में धुआं भी पास नहीं हुआ। अब फिर देख लीजिए आपकी मर्जी, मैंने तो आपको बिल्कुल सही गाड़ी मिली, धुआं छोड़ रही है ना गाड़ी, धुआं सर छोड़ दी है गाड़ी, ऐसे छोड़ी है गाड़ी। मुझे एक बात बताएं, जी जी, आपने हर साल देखा है सर्दी आने से पहले मौसम आ गया है, जी जी, स्मोग आ जाती है, जी जी, अजीबो गरीब सा लाहौर में फिजा बन जाती है, सांस लेना दुश्वार। आप बाइक चलाएंगे आपकी आंखों में जलन होगी, बिल्कुल आंखों में जलन होगी, सांस नहीं आएगा, होता है ना हर साल ऐसे होता है ना ऐसे। अब मुझे ये बताएं कि वो किस लिए होता है, आपको पता कैसे होता है? जी जी, ये यही वजह है कि जो कार्बन और ये धुआं फिजा में छोड़ रही है ट्रांसपोर्ट की जो बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं। जी जी, तो आपको नहीं लगता है इन पे कार्रवाई होनी चाहिए? कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए कार्रवाई। छोटे छोटे बच्चे कितना मुश्किल है, हमारे बच्चे हैं वो बिल्कुल सही है, कितना मुश्किल है। लाहौर आपको पता है दुनिया का आलूदा तरीन शहर की जो लिस्ट है उसमें सबसे पहले नंबर पे है, बेशक सबसे ऊपर उसका नाम, ऐसे ही है। तो ये इसी तरह बेहतर होगा, आप समझते हैं इस चीज के साथ, धुआं आपकी गाड़ी छोड़ रही है, ठीक है जी, फाइन। अभी आप आपको फाइन करें क्या करें, माफी दे दोगे तो मेहरबानी, माफी तो यही देंगे, 8-9 दिन रह गए हैं बस, इसके बाद में आप दिलवा दें माफी। आपने तो कहा था कि गाड़ी चेक कर रहे हैं धुआं देगी, तो शाह जी ऐसे धुआं देगी गाड़ी, आप मेरी बात ऐसे ही 96 मॉडल गाड़ी चेक की है, वो बिल्कुल नहीं दिया 96 मॉडल, ठीक है अगर ये तो बड़ी 83 मॉडल गाड़ी है, मेरे पैदा होने से पहले गाड़ी है, ठीक रखी हुई है, ठीक रखी हुई पैदाशी। तो अभी इसका क्या इनको फाइन होगा, फाइन कितना होगा? फाइन सर इनको 2000 फाइन। नहीं सर, ये 2000 तो ज्यादा है यार। गाड़ी क्या आपकी, मतलब कि क्या ये आपका अपना ट्रक है क्या? नहीं, अपना होता तो फिर ये हाल तो ना होता, किसी का चला रहे हैं क्या? इसका क्या होता है, डेली होता है कि आप मंथली होता है? 1200 रुपए मजदूरी है हमारी, एक फेरे का? नहीं नहीं, एक सारी गाड़ी का। तो ये जो इनको फाइन शाइन होता है ये वो कंपनी को जाता है? कंपनी को बढ़ती है। फिर आपको किसी की टेंशन है? नहीं, वो सर थोड़ा एक 8-9 दिन लगे, फिर उसके बाद में किराई लेनी है, तो गाड़ी फिनिश तो उनके बाहर आ रही है। देखिए नाजिम, तकरीबन हर 10 में से 8 गाड़ियां जो है ना उनकी सूरत हाल यही है, और वो लाहौर को इसी तरह से गंदा कर रहे हैं। अगर आपने अपने लाहौर शहर की फिजा को बचाना है, ये जो बागों का शहर है इसको बचाना है, तो फिर मेरा ख्याल है आपको सख्त इकदाम लेने पड़ेंगे, आपको इस तरह की चीजों को इनके खिलाफ ट्रैक डाउन करना पड़ेगा, वरना फिर ये मामला इसी तरह से चलते रहेंगे। गाड़ी 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 जी सर, क्या जी रोड पासिंग किधर है भाई? हाँ जी, इनके पास पासिंग नहीं है। पासिंग जो फिटनेस होती है, फिटनेस सर्टिफिकेट इनकी फिटनेस है? नहीं, ये क्या नंबर है गाड़ी का? ये 82 है ना यार, यार ये 82 है ना, ये आपकी फिटनेस है, 2023 की खत्म है। नहीं सर, यार ये आपकी गाड़ी की फिटनेस है, ये देखें 82 की, 10 मई 2023 की खत्म है पासिंग, वो रूट है और ये पासिंग, ये पासिंग साल पुराना है। जी जी, ट्रक की हालत भी कुछ इस तरह से लग रही है, हालत नहीं, दूसरी फिर पास भी नहीं कराया, फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं लिया, 2-3 दफा गए हैं जी। तो की कहते तो नहीं देना? नहीं कह रहे, बना फटा छेड़ा चल रहा है, नहीं फटा कोई भी नहीं सर। फिर तो क्यों नहीं दे रहे, खाने में वंडी जा रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, वो तो यहां जी गड्डियां में वंडी जा रहे हैं, जेरे धुआं छाड़ रहे, जो मरने छाड़ रहे, तो क्यों नहीं दे रहे? साडे तो मानी मार दे, उसी को जाके वो उससे जी गल की थी ना, क्या नहीं सर, ले रहे इसे क्यों नहीं ले रहे, एक साल एक्सपायर हो गया, ये उनके स्टैंडर्ड पे नहीं ना होगी, ये भी गाड़ी का उस तरह का इंजन वगैरह की हालत या धुआं वगैरह या उस कैलिबर नहीं होगा, किसी कोई ना कोई मसला जरूर होगा, इसलिए गाड़ी पास नहीं हो रही। क्यों आपकी पासिंग क्यों नहीं हो पा रही? ये पता नहीं है सर, वो टाइम दे रहे हैं, कह रहे हैं पैसे नहीं मांग रहे, थोड़े को मांग रहे हैं, मांग रहे हैं, कितने मांग रहे हैं पता नहीं होगी पासिंग की, ये 3,350 सर, 3-4 बार गए हैं और 100 वो नुक्से निकाल देते हैं, ये बस वो मसले 100 काट देते, ब्रेक नहीं सही, ऐ नहीं सही, मसल ऐ नहीं सही, टायर नहीं सही, टायर नहीं सही, नहीं फिर 3-4 बार गए ना, फिर अहीं आक के फिर नहीं गए, गलत जाने फिर नहीं नहीं असि गए 3-4 बार, फिर टायर भी पवाए अगले, फिर भी नहीं उन्होंने पास, पासिंग 1040 रुपए जुर्माना है, 4000 वो 6 माह का है, वो 6 माह के बाद जब तब्दील होगा ना, जब 6 माह के बाद दोबारा पासिंग होती है, उसकी फीस इतनी है। गाड़ी पासिंग क्यों नहीं हो पा रही है? इन बाइक की गाड़ी
वो नुक्स निकालते हैं, हॉर्न काम आपका नहीं है, लाइटिंग नहीं है, टायर में डिफॉल्ट से मेंटी में, उस तो बाद आपका धुआं गाड़ी मारती है, ब्रेक काम में यार भाई वो आपको लग रहा है ना, वो पासिंग वाले को नहीं लगा, एक महीना पहले आपको पासिंग करवाई है, वो उसका सब को ठीक है, पासिंग कंप्यूटर वाले यार अभी भी ठीक है, वो कराएंगे ना अभी थोड़ा कम आ रहा ना, उस वजह से हम नोजलें लाजमी इसकी कराएंगे, पहले माँ जब पासिंग कराई है ना उस वक्त कोई ना था, बिल्कुल ठीक था। आप ये बता रहे हैं 12-13-1400 की फीस बोल रहे, वो कह रहे हैं पासिंग की ना साल दो साल हो गया हमने पासिंग नहीं कराई, वो ये भाई बोल रहा है जुर्माना होता तब मांगते तीन चार बार गए तो फिर बड़े नुक्स निकल गए होगा इंशाल्लाह कोई 28-25 का होगा, 25 का होगा सर, वो नहीं दुखता पर तीन चार बार पालाशाह काकू गए उधर ही लगती है, मेंटेनेंस ही ना आपकी पूरी, मेंटेनेंस पूरी नहीं है तो वो सेल वाला पेपर दिया वो है आपके पास, वो नहीं है सर वो देते हैं, इनका क्या करेंगे इनको भैया फाइन ही करेंगे बंद करने के, सर बंद ना करो, अगर गाड़ी में कोई नुक्स हो ना वो एक पेपर देते हैं फेल का, उसके ऊपर हर चीज लिखी होती है कि आपकी गाड़ी का ये काम होने वाला है ये होने वाला है, जिसको करवा के लाए फिर आपको पासिंग देंगे, तो वो दिखाई नहीं रही है, वो सर अड्डे थे है, गलत बयान नहीं, वो अड्डे नहीं नहीं सर अपना अपना सर अपना, वो अड्डे वो दिखाया रूट अभी वो धुआं धुआं तो नहीं मार, धुआं दे रही थी आगे चेक किया मैं, धुआं भी दे रही है इनका धुआं भी है, हाँ इनका स्टार्ट करके अभी चेक करते हैं, चेक करते हैं दोबारा चेक करें जरा ये इनका, ये भी चेक करते हैं, एक तो इनके पास पासिंग नहीं है वो कह रहे हैं हम फिर गए ही नहीं, आप इधर मुझे नहीं करने दे जिसका काम उसको करने दे, इसको लेके जाए 70 की स्पीड पे जरा, चढ़ना होगा तो गाड़ी का जोर लगेगा, तीन माने रात 10-11 बजे के बाद जब आप लोगों को लाहौर के अंदर एंट्री मिलती है आप लोग 100 की स्पीड पे भगा रहे हो, नहीं सर 100 दी तो सानू मालका भी दसिया हुंदा वी 100 दी स्पीड ते नहीं गड्डी शहर दे विच चलाउंदे, मालका दी मन्नी वाला सर कई नहीं भी मानदे, नहीं मानदे मालका दी कितों मन्नी, कई नहीं भी मानदे पर असी मानदे हैगे, गलत बयान नहीं करनी असी मानदे हैगे, असी क्या फाइन होगा क्या होगा, उनको फाइन करेंगे अभी और फिटनेस का भी करेंगे और धुमे का भी करेंगे, ठीक है जी। ये देखिए नाज़रीन यहां पे इस वक्त हम मौजूद हैं ये ठोकर के पास एरिया है और यहां पे जो गाड़ियां ठीक हैं जो धुआं नहीं दे रही, अभी हमने एक वो डेवो की गाड़ी रोकी थी उनकी गाड़ी डीजल पे थी लेकिन धुआं नहीं दे रही थी और फिटनेस सर्टिफिकेट भी था तमाम चीज़ें मौजूद थी, फिर पीएसओ की गाड़ी रोकी तो पीएसओ का वो जो ऑयल कंटेनर है वो धुआं छोड़ रहा, दीगर भी धुआं छोड़ रहे हैं, फिर एक गाड़ी देखी जिसकी ना ब्रेकें हैं ना डैशबोर्ड है ना कुछ है, टायर फटे हुए हैं लेकिन वो तकरीबन 1000-1500 किलो लोड करके भगाई जा रहा है गाड़ी, तो ये तमाम तर मामला आता है, ये वो जहर है जी अपने चंद हजार रुपया कमाने के लिए सारा दिन लाहौर की सड़कों पर फैलाते हैं और उसी के नतीजे में लाहौर जो है दुनिया का सबसे आलूदा तरीन शहर की जो फहरिस्त है उसमें पहले नंबर पे है, आप ये आ गए इस मौका ये सीजन स्टार्ट हो गया, आप अगले 15-20 दिन में देखेंगे कि सांस लेना मुश्किल है, आप कोई अपना सफेद कपड़ा धो के छत पे डाल देंगे तो वो काला हो जाएगा पड़ा पड़ा कि इतना कार्बन हवा में उड़ रहा है, हमने बहुत सी कार्बन फैक्ट्रीज बंद करवाई सारा साल इस कंपेन पे लगे रहे लेकिन नहीं बात आते, कार्बन फैक्ट्रीज इतना फिजा को आलूदा नहीं करती जितनी ये ट्रांसपोर्ट कर रही है, ये 3000 सीसी या 3500 सीसी जो धुआं छोड़ती है, बहरहाल ये आज का प्रोग्राम था, आप लोग अपनी राय से हमें आगाह कीजिएगा, हम अपनी आवाज़ जो बुलंद करते रहेंगे कोशिश करते रहेंगे कि हुकूमत और इदारों को अपनी आवाज़ पहुँचाते रहेंगे, ये देखें ये वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से लाहौर जो है दुनिया का आलूदा तरीन शहर बन गया और हमें फिर शर्म नहीं आ रही, गवर्नमेंट को गवर्नमेंट इस पर काम भी कर रही है लेकिन मेरा ख्याल है मजीद इस पर काम करने की जरूरत है ताकि इस हिसाब से जान छुड़वा सके कि जो बच्चा लाहौर में जन्म ले रहा है हम उसको क्या तोहफे में दे रहे हैं, तो उसका सांस ठीक नहीं है वो सांस नहीं ले सकता, उसको सांस की बीमारियां हो रही हैं, वो अजीबो गरीब मतलब कि हमसे मतलब कि यहाँ पे जो एक आम शख्स जो 25-30 साल का नौजवान है उससे सांस नहीं लिया जा रहा तो एक बच्चे पे क्या गुजरी होगी या बुजुर्ग पे क्या गुजरी होगी, बहरहाल एक कोशिश है जो कर रहे हैं, अपनी राय से हमें आगाह कीजिएगा, तब तक के लिए अपने मेजबान अली हमदा को दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।